गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हमारा राउट्स ला वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए हमने पढ़ लिया था, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है राउट्स ला फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। राउट्स ला फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बेटा नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं? नॉन वोलेटाइल, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो होते हैं जिनके इजीली वेपर्स ना बने, ठीक है, जो आसानी से वोलेटाइल ना होते हो, जैसे ग्लूकोज, ठीक है, यूरिया, सुक्रोज, ठीक है, NaCl, ये जो हमारे हो गए ये सारे हमारे क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, ये हमारे क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो देखो क्या कहता है राउट्स लॉ यहाँ पे। राउट्स लॉ ये कहता है कि जब हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्या कर देते हैं? किसी भी सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, तो उसका जो वेपर प्रेशर हो जाता है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? अपना राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसको एक्सप्लेन करते हैं हम किसके द्वारा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा। एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आती है हमारी, जो हमारी आती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि जो वेपर प्रेशर होता है उसमें क्या आ जाती है? लोवरिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसके द्वारा ही हम राउट्स लॉ को पढ़ते हैं। तो देखो इसमें क्या कहता है कि जो किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में हम पढ़ेंगे तो वो किसके बराबर होता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। हम मान के चलते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होता है। तो देखो ये चीज आपने पढ़ी थी, तो इसके जगह देख मैं क्या लिख सकता हूँ? पी जो सॉल्यूशन हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया, वो किसके बराबर हो गया? एक्स ए पी नॉट ए। देखो पी सॉल्यूशन मतलब इसके जगह मैं आपका यहाँ पे लिख सकता था सॉल्वेंट वाले का पी ए के बराबर ना, तो एक्स ए पी नॉट बी, सॉरी पी नॉट ए सॉल्वेंट के लिए ये ए आएगा। तो पी सॉल्यूशन किसके बराबर? जो वेपर प्रेशर हो गया सॉल्यूशन का वो बराबर हो गया सॉल्वेंट वाले का, मतलब सॉल्यूट का तो निकालेंगे, सॉल्यूट का तो लोवरिंग आ जाएगा। तो देखो क्या करना है, पी नॉट ए को यहाँ लेके आना है, तो पी एस लिख दो पी सॉल्यूशन को, ये आ जाएगा पी नॉट ए, ये बचेगा आपका एक्स ए। बोथ साइड वन में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ जाएगा वन माइनस में पी एस अपॉन पी नॉट ए, और ये आ जाएगा वन माइनस में एक्स पी, पी नॉट ए ऊपर चला जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए, और यहाँ से क्या हो जाएगा? वन माइनस एक्स बी, हमने पढ़ा था एक्स ए प्लस एक्स बी वन होता है, तो एक्स ए क्या होता है? वन माइनस में एक्स बी, और एक्स बी क्या होता है? वन माइनस में एक्स ए। तो एक्स वन माइनस एक्स ए की जगह क्या लिख दूंगा? एक्स बी, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? एक्स बी। तो ये क्या होता है? पूरा राउट्स लॉ होता है किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है भाई, गिवन जो चीजें हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पी नॉट ए माइनस पी एस, पी नॉट ए माइनस पी एस क्या है हमारा? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ये क्या है हमारा? ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। फिर बच गया हमारे पास एक्स बी, एक्स बी हमारा क्या है? मोल फ्रैक्शन है। एक्स बी क्या है हमारा? मोल फ्रैक्शन है किसका? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। मोल फ्रैक्शन हो गया किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, ठीक है। तो इसमें देखो क्या कहता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है किसी भी सॉल्यूशन में इन कंटेनिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। देखो एक क्वेश्चन सिंपली आपसे पूछ सकता है, वो आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ व्हाट हैपन व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू वाटर। आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ क्या होगा जब किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम वाटर के अंदर ऐड करेंगे। तो देखो क्या होगा भाई, हमें पता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, ये अपने पास वाटर हो गया, ठीक है, वाटर में हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं, तो जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो कहता है कि किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर हम वाटर के अंदर ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है भाई इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो आपको ये बताना है कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गई ना, ये आता है आपका राउट्स ला के अंदर कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसी में आपकी जो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है उनका डिस्कशन हम आगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तब बताएंगे। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है हमारी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसमें इसका रोल होता है। मेनली जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो यही होता है, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इक्वल टू में एक्स बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के बाद जो हमारा फॉर्मूला था पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए इक्वल टू में एक्स बी, यहाँ पे देखो जो हमारा पी नॉट है वो क्या है, हमारा सॉल्वेंट है, पी एस है हमारा वो क्या है, सॉल्यूशन है, और पी नॉट ये भी क्या है हमारा सॉल्वेंट, और ये क्या है एक्स बी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं बताओ, मोल फ्रैक्शन एक्स बी को क्या लिख सकता हूं, एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, एन बी एन ए प्लस में एन बी। और आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने सिखाए थे, कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन में उसका मोलर मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन में उसका मोलर मास प्लस में गिवन मास अपॉन में उसका मोलर मास। तो देखो हम यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं अभी, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला। फिर कहता है क्या, नेक्स्ट कहता है अगर हमारा सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है, हमारा सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो क्या हो जाएगा, अगर हमारा सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो क्या हो जाएगा, तो ये कहता है कि एन जो बी होगा वो ग्रेटर ग्रेटर देन होगा एन ए। ठीक है, इसमें ए ग्रेटर ग्रेटर ये वाली, एन बी ग्रेटर ग्रेटर देन एन ए, तो मैंने एन ए की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा होगी, देन हम एन ए की वैल्यू जो रहेगी उसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये वैल्यू ग्रेटर ग्रेटर देन हो जाएगी। ठीक है, बुक्स के अंदर आप देखोगे बेटा आपको N2 इस प्रकार से मिलेगा, वहां पे N1 की वैल्यू को क्या कर देगा, वो नेगलेक्ट कर देगा। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, और वो किसके बराबर हो गया, एन बी अपॉन में एन ए। एन बी एन ए की वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगी भैया, एन बी की वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, एन बी वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगी, तो एन बी अपॉन में एन ए, या बुक्स के अंदर आप देखोगे एन टू बाई एन ए, ये वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू में एन बी अपॉन में एन
ए, और इसको निकाल लेंगे डब्ल्यू बी अपॉन में मोलर मास अपॉन में डब्ल्यू ए अपॉन में मोलर मास, ये टर्म ऊपर चली जाएगी तो डब्ल्यू बी अपॉन में मोलर मास इंटू में मोलर मास अपॉन में डब्ल्यू ए। क्लियर? तो डब्ल्यू बी सोल्यूट का था तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, डब्ल्यू टू लिख सकता हूँ मोलर मास एम वन, ठीक है, ये एम टू हो गया और ये क्या हो गया डब्ल्यू वन। इस तरीके से भी मैं आप इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। ये आ जाता है हमारा राउट्स ला कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। क्लियर हो गया? इसके जो बेस न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, इसके जो इस न्यूमेरिकल बेस्ड हैं वो आपको इसमें करने हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है इसके बेस्ड न्यूमेरिकल पे, वो क्या कहता है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर लोअरिंग इट्स सॉल्यूशन एडिंग 50 ग्राम ऑफ 15 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 15 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मोलिकुलर मास 342 ग्राम, ठीक है, एडिड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर वो कितना है 23.8 mm Hg। तो देखो जो गिवन वैल्यू है वो लिख लेते हैं, क्या दिया इसने, मास ऑफ सोल्यूट दे दिया, मास ऑफ सोल्यूट दिया कितना 50 ग्राम ग्लूकोज, तो 50 ग्राम हो गया। मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे दिया भाई इसने 500 ग्राम। कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इन 23 पॉइंट, मतलब पी सॉल्यूशन दे दिया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे दिया 23.8 mm Hg, और आपसे ये कहता है कि आप क्या निकालो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालो। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था, पी नॉट ए माइनस पी एस, ये आपसे निकलवा रहा है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए इक्वल टू में क्या लिखता हूँ एक्स बी, और एक्स बी के टर्म्स में हमारा क्या आया था, अभी लिखा था हमने क्या, मोलर मास। तो डब्ल्यू ए अपॉन में मोलर मास अपॉन में डब्ल्यू ए प्लस में डब्ल्यू बी अपॉन में मोलर मास। तो देखो पी नॉट ए माइनस पी एस की वैल्यू आपको निकालनी है भाई, ठीक है, पी नॉट ए सॉरी पी नॉट ए में सॉल्यूशन की नहीं दी थी भाई इसने, किसकी दी थी, पी नॉट बी की वैल्यू दी थी क्वेश्चन में, ठीक है, तो पी नॉट बी की वैल्यू दी थी, ये वैल्यू इसने नहीं दी थी, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे 23.8 mm Hg। डब्ल्यू ए कितना है हमारा 50, उसका मोलर मास 52, डब्ल्यू ए हमारा कितना है 50 अपॉन में उसका मोलर मास कितना, डब्ल्यू टू कितना है 500 और उसका मोलर मास वाटर है तो वाटर का 18। फिर इसको सोल्व करेंगे भाई, हमारा आंसर आ जाएगा 0.124 mm Hg। ये आ जाएगा भाई आपका वेपर प्रेशर ऑफ लोवरिंग, लोवरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है, इस वैल्यू को आपको पुट करके इसको निकालना है, ठीक है, ये वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। होप सो इतना समझ में आएगा। इसके बेस्ड पे एक न्यूमेरिकल और है बेटा, वो भी आप कर लेना, ठीक है, नहीं समझ में आया तो मेरे से दोबारा पूछ लेना, ठीक है। होप सो इतना आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।